हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू एडुला पॉइंट। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 52 इंग्लिश क्लास 9। रीड द एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द चैप्टर माय चाइल्डहुड से। ये कुछ लेसन का कुछ पार्ट है, ये इसको पढ़ना है और क्वेश्चन के आंसर देने हैं। माय चाइल्डहुड यानी मेरा बचपन। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न, हर बच्चा पैदा होता है विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ना कुछ क्वालिटी उसमें होती है, पैदाइशी होती है। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और कुछ वो आसपास से भी सीखता है, ट्रेन होता है किसी वे से, इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटीज। ठीक है, तो यानी हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता होती है, चाहे वो अपने माँ बाप से मिले, चाहे वो आसपास से मिले। I inherited honesty, मैंने क्या सीखा, मैंने क्या लिया inherit में, honesty, self discipline from my father, मेरे पिता से मैंने सीखा है, मेरे में वो गुण आए हैं honesty के, self discipline। from my mother, और मेरी माँ से मैंने क्या लिया, faith, विश्वास, goodness, deep kindness यानी अच्छाई, दयालुता, विश्वास, ये माँ से मैंने लिया है, और पिता से ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन। तो इस तरह से माँ बाप से मेरे में ये गुण आए हैं। एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स, और यही मेरे ब्रदर और सिस्टर ने भी इनहेरिट किए हैं गुण। इस तरह से हम लोग जान पा रहे हैं कि माता पिता से कैसे मिलते हैं गुण किसी को भी। ठीक है, यहाँ पे माई चाइल्डहुड में, ठीक है, इनहेरिट हुए हैं। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड, मेरे तीन दोस्त हैं थे इन माई चाइल्डहुड, मेरे बच्चे बचपन में, रामानंदा शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशम। पता ही चल गया होगा आप हम किनके बारे में बात कर रहे हैं, आई किन के लिए आया है। जी सही पहचाना आपने, अब्दुल कलाम आजाद जी के बारे में है, और रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशम उनके दोस्त है। ऑल थ्री बॉयज वर ऑर्थोडॉक्स, फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। एक तरह से ऑर्थोडॉक्स क्या होता है, जो अपनी परंपरा को ही मानते हैं, फैमिली से वो बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंट, जब हम बच्चे थे तो हमें से कभी कोई डिफरेंट हमने महसूस ही नहीं किया कि क्या रिलीजन होता है, क्या डिफरेंस है, ठीक है ना, और कैसे अपने रिलीजन को ऊपर उठाना है। तो इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, इनके बच्चे थे, और ये हाई प्रीस्ट, ठीक है, ऑफ रामेश्वरम टेम्पल के पुजारी थे, मतलब ऊंचे दर्जे के पुजारी थे, उनके बच्चे थे, और उनके साथ मैं खेलता था, मेरा दोस्त थे वो, मेरा दोस्त था वो। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड, बाद में वो भी रामेश्वरम टेम्पल में प्रीस्टहुड यानी वो भी पुजारी ही बन गए फ्रॉम हिज फादर, अपने पिता की जगह वो आ गए, कौन, रामानंद शास्त्री। अरविंद वेंट इनटू बिजनेस, वो अपने बिजनेस में चले गए, ट्रांसपोर्ट में फॉर विजिटिंग पिलग्रिम, पिलग्रिम जो होता है तीर्थ यात्री, उनको यहाँ से वहां घुमाने वाले काम। तो शिव प्रकाशम बिकेम अ कैटर कॉन्ट्रेक्टर, बन गए थे साउथ रेलवे में। तो ये सारे तीनों दोस्तों के बारे में पता चल गया, ये भी पता है हमें कि यहाँ पे आई कौन है और उनको अपने माता पिता से गुण में क्या मिला। तो पहला क्वेश्चन ये है कि थ्री बॉयज हैड क्या थी, कैसी फ्रेंडशिप थी उनके तीनों दोस्तों की। मेन बात ये है कि उनकी फ्रेंडशिप कैसी थी। तो यहाँ पे भरना है कैजुअल थी, ट्रेजर्ड थी, डिस्टेंट थी, या वन साइडेड थी। ट्रेजर्ड थी, एक दूसरे के लिए सब लोग जाने जाते थे, कैजुअल टाइप की नहीं थी, हाँ एक दूसरे के पक्के अच्छे दोस्त थे तीनों के तीनों, क्लोज फ्रेंड थे, है ना। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम ऑफ द अबाउट एक्सट्रैक्ट, क्या सेंट्रल आइडिया ऊपर से निकल के आता है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन अ बिल्कुल, मतलब हर चीज जो है क्या है कि हम किसी चीज को उत्थान करते हैं उसको उठा के लाकर, टॉल्स्टॉय ने बोला है, क्या ये सेंट्रल आइडिया है इनके अकॉर्डिंग वाला, या डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल एंड
भाई डिसिप्लिन होना चाहिए कि भाई किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना है, अकॉम्प्लिश करना है। जिम रॉन वाली नहीं, ये तो नहीं थी। ठीक है, तो थी कौन सी? चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट है, मिस्टिकल बॉन्ड ऑफ ब्रदरहुड मेक्स ऑल मैन ब्रदर्स, मतलब भाईचारे की भावना है, सब भाई रहते हैं। नहीं, ये भी नहीं थी। तो मैनी पीपल विल वॉक इन एंड आउट ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी में कई लोग आते हैं जाते हैं, बट ओनली ट्रू फ्रेंड्स विल लीव फुटप्रिंट्स इन योर हार्ट। नहीं, एक्चुअली क्या है कि एवर कैन डिपेंड ऑन अपब्रिंगिंग, हर चीज जो अपब्रिंगिंग पे है, यानी अपने आप को उठा के रखना चाहिए, मीन्स कि सोसाइटी समाज में जो है जो ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं उनसे उभर के बाहर आना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन वन हमारे लिए इस टॉपिक के अकॉर्डिंग ऑप्शन वन आंसर होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, एक्सकर्ट यूज द फ्रेज फिगर ऑफ अथॉरिटी, ये वर्ड आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज इनकरेक्ट विद द वर्ड फिगर, फिगर का मतलब क्या नहीं हो सकता? इनकरेक्ट का मतलब तो यही है, फिगर तो साइन भी होता है, शेप भी होता है ना, नंबर्स भी होते हैं, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं हो सकता, ये मिस इंटरप्रेट, यानी थर्ड ऑप्शन इसका आंसर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर ट्रू। ठीक है, सेट ऑफ स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट्स हैं जो ट्रू हैं एस्टर के अकॉर्डिंग, तो हमें बताना है। ही इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस फ्रॉम मदर, मदर से अच्छाई मिली थी ना, हाँ तो ये तो ठीक है। His sister inherited honesty from his mother. मदर से ऑनेस्टी मिली थी, ऑनेस्टी कहाँ से मिली थी? पिता से मिली थी ना, तो ये वाला पॉइंट तो गलत हो रहा है। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं, ही एंड हिज सिबलिंग, सिबलिंग्स भाई बहन को बोलते हैं, भाई बहन, इनहेरिटेड नो क्वालिटीज फ्रॉम पेरेंट, पेरेंट से कोई क्वालिटी नहीं मिली थी, नहीं जी ये तो गलत है। His brother inherited self-discipline from father. Father से self-discipline मिला, तो brother को मिला चाहे उनको मिला हो, तो देखिए self-discipline father से ही मिल रहा है। तो पहला और चौथा ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है? सी। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, पहला तीसरा ठीक है, दूसरा चौथा ठीक है, पहला चौथा ठीक है या दूसरा तीसरा, तो पहला और चौथा। नाउ पांचवा, पांचवा क्या है, पिक आउट द ऑप्शन दैट करेक्टली क्लासिफाई फैक्ट्स। ठीक है, फैक्ट्स के लिए एफ होगा और ओपिनियन के लिए ओ होगा ऑफ द स्टूडेंट बिलो। द चिल्ड्रन कुड हैव चोजन सम डिफरेंट प्रोफेशन, इजंट इट, मतलब चिल्ड्रन को जो है डिफरेंट प्रोफेशन चूज करना चाहिए, यस और नो? तो हम सोचेंगे कि हाँ डिफरेंट तो होना चाहिए प्रोफेशन, जरूरत है ना माँ बाप जैसा ही हो, तो ये फैक्ट है। चिल्ड्रन नेवर फेल्ट दे वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया कि वो एक दूसरे से अलग हैं, तो ये बात भी फैक्ट था, ये तो है ही, पहला दूसरा तो ठीक है ये। नाउ आई थिंक इट वॉज अ वेल नीट सोशल बॉन्ड विच मेड द डिफरेंस, मतलब सोशल बॉन्ड था जो कि डिफरेंस दिखाता है उनके बीच में, तो ये ओपिनियन है। आई थिंक है ना, राय दी जा रही है, तो राय दी जा रही, तो ये तो फैक्ट हो गया, ये भी फैक्ट हो गया, हमें फैक्ट बताने हैं, और ये ओपिनियन हो गया थर्ड वाला। वेल दिस इज द रीजन इंडिया हैज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो ये भी ओपिनियन है, देखिए यही रीजन है कि इंडिया में यूनिटी है डाइवर्सिटी के बावजूद, ये भी ओपिनियन है। तो पहला दूसरा ओपिनियन है, तीसरा पहला दूसरा फैक्ट है, तीसरा चौथा ओपिनियन है, तो ऑप्शन देखिए ए में है पहला दूसरा तीसरा, यस देखिए लिखा है पहला दूसरा फैक्ट है, तीसरा चौथा ओपिनियन, तो यही आंसर हो गया। बाकी देखिए तो ये आंसर हमारे नहीं बैठते हैं, तो पांचवा हो जाता है। इस तरह से जो छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है वो आपको समझ में आया होगा। तो बताइएगा यहाँ पे आई कौन है, आई किन के लिए आया है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि आई किन के लिए आया है। आपके कमेंट का मुझे जरूर इंतजार होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही वीडियोस को जरूर शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।